दोस्तों 2016 नोटबंदी के बाद एक बार फिर सरकार ने किया 2000 के नोटों पर नोटबंदी। जी हाँ दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज देखने को सामने आ रहा है कि RBI ने एक बार फिर देश में नोटबंदी लागू कर दी है। बता दें कि आज शाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोटबंदी के प्रति फैसला लिया गया कि अब 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया है और ये 23 मई से लागू होगा। जी हाँ, बता दें कि अब जिनके पास भी 2000 के नोट उपलब्ध हैं, वे आने वाले 23 मई से 30 सितंबर तक अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। अब 2000 के नोट के बदले 500 के 4 नोट ले सकते हैं। तो जिसके पास भी 2000 रुपए के नोट उपलब्ध हैं, वे RBI के नियमों के अनुसार 23 मई से 30 सितंबर के बीच 500 रुपए के नोट में चेंज करा सकते हैं, वरना 23 सितंबर के बाद 2000 के नोट बाजार में मान्य नहीं रहेगा। इससे पहले 2016 में नोटबंदी किया गया था, जिसमें 500 के पुराने नोट और 1000 के नोट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद 500 के नोट को नए नोटों में तब्दील कर दिया गया था और 1000 के नोटों को 2000 में बदल दिया गया था। लेकिन अब 2000 के नोट को बंद कर 500 के नोटों में बदलवाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों 2000 के नोटबंदी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।